all the Maharashtra Law CET 3-year students should watch this video before they start their CET preparation. 5 major changes I will be discussing this video with regards to the CET 3 years examination, चाहे आप 2025, 26, 27 जो भी CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए. ये चेंजेस 2024 CET में हुआ है. ओके, सो इफ यू आर द एस्पिरेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉ CET यू शुड नो अबाउट ऑल दिस चेंजेस. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो और उनको इस चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला जो चेंज है वो है एग्जाम की डेट को लेकर के. पहले जो एग्जाम की डेट थी वो मई मंथ में होती थी, समटाइम फर्स्ट वीक ऑफ जून तक चले जाता था एग्जाम. ओके, अभी उन्होंने इस साल ये किया है कि एग्जाम को प्रीपोन्ड कर दिया है, मार्च मंथ में एग्जाम लेना चालू कर दिया है. इसका रीजन बता रहा हूँ. इसका रीजन ये है, बहुत सारे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनका बोर्ड का एग्जाम होता है अप्रैल मई में, राइट? तो उस समय उनको प्रॉब्लम होती है. तो इस बार सीटी ने क्या किया है कि भाई मार्च में ले लेते हैं एग्जाम, उसके बाद अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द गुड स्टेप टेकन बाय द CDCL कि हाँ, एक बार आपने आपका CET खत्म कर दिया, अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, सिर्फ आप CET प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है. सेकेंड इज रिजल्ट फॉर्मेट. ठीक है, आपका जो अभी तक का रिजल्ट आता था CET का वो होता था स्कोर में 150 में से आपको 110, 105, 106 या 90-95 जो भी मार्क्स है ये मिले हुए हैं. अब आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं होगा कि मेरा कितने स्कोर आया हुआ है आउट ऑफ 150. आपको मिलेगा आप परसेंटाइल. यस, परसेंटाइल मिलेगा, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल मिलेगा. परसेंटाइल क्या होता है, इसको लेके मैंने ऑडियो वीडियो बनाया हुआ है, कैन वॉच माई दिस वीडियो, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा. परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि 50,000 लोगों ने एग्जाम लिखा और आपका आया 99 परसेंटाइल, तो आप ये कुछ नहीं हो जाना कि मेरा 99% आया, आपका 99% आया हुआ है. जो 50,000 है ना, मतलब 99% है, 100% होने में 1% आपका कम है. तो जो 1% जनता है ऑफ दिस 50,000 विच इज़ 500, 500 लोग आपके ऊपर है. आप समझ रहे हो, दिस इज़ वॉट द मीनिंग ऑफ द परसेंटाइल. तो रफली 500 लोग आपके ऊपर होंगे, 501, 500 के आसपास आपका रैंक होने वाला है. रैंक वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो ये होता है परसेंटाइल. सो जितने भी लोग 25, 26, 27 ऑनवर्ड CET लिख रहे हो, आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है परसेंटाइल फॉर्म में, स्कोर फॉर्म में नहीं मिलेगा. थर्ड चेंज इज नॉर्मलाइजेशन मेथड. टू कैलकुलेट योर रिजल्ट दे यूज द मेथड दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, लेट्स से कि आपके मल्टीपल स्लॉट है एग्जाम में, मल्टीपल स्लॉट है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 ऐसे करके 4 स्लॉट है. 2 दिन तक आपका एग्जाम चलता है, कभी कभी 3 दिन तक चलता है. ठीक है, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया एग्जाम के लिए उसके बेसिस पे विंडोज स्लॉट्स डिसाइड होते हैं. तो अगर मल्टीपल स्लॉट है, मान लो कि कोई स्लॉट 1 का पेपर ईजी था, स्लॉट 2 का पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है, और स्लॉट 1 के अंदर हम मान लेते हैं कि 120 मार्क्स आपका 100% है, ठीक है, और स्लॉट जो आपका टफ था उस स्लॉट का 100% बन रहा है 110 मार्क्स पे, मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि जिस स्लॉट में आपका पेपर टफ था वो कम मार्क्स में 100% बन गया, और जहाँ पे ईजी था वो उसके लिए ज़्यादा मार्क्स लगे 100% होने में. तो ये इसलिए होता है कि एक तो पेपर का टफनेस, दूसरा उस स्लॉट में लोगों ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है. ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका परसेंटाइल जंप कितना होगा. इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड. सो जितने भी मैन्यूअर के लाइव या क्लासरूम के स्टूडेंट हो उनको मैं बोलता हूँ कि हमेशा 120 के ऊपर का स्कोर टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 150. 120 के ऊपर आ रहे हो, 125, 130 आ रहे हो, तो आप 99.50 प्लस परसेंटाइल पे हो. ठीक है, और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो तो भाई 130 के नीचे कुछ मत सोचना, 130 प्लस ही आपको जाना है. ओके, चाहे आप मैन्यूअर के लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो, आपको ये दिमाग में रखना है. ओके, सो दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, वांट टू ज्वाइन अस, अगर मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, आप मुंबई में कहीं पे भी हो तो थाने, दादर, बोरीवली, वसई, अंधेरी यू कैन विजिट. बट अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो, पुणे, नासिक, नागपुर या किसी अदर सिटी से हो या पैन इंडिया से हो आप, तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस मैन्यूअर का ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, चेंज नंबर 4 इज एडमिशन डेट और द प्रोसेस गॉट एक्सटेंडेड. अभी तक आपका जो कैप राउंड का प्रोसेस होता था वो जून जुलाई तक खत्म हो जाता था, बट अभी ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, मतलब अगस्त भी आपका जा सकता है एडमिशन प्रोसेस को लेके, कैप राउंड प्रोसेस को लेकर के. तो मेरा सजेशन CDCL को यही है कि थोड़ा सा हम इसको जल्दी कर पाएंगे तो कॉलेज भी जल्दी चालू हो पाएंगे, राइट? तो अगर हमारा एग्जाम मार्च तक हो जा रहा है तो अप्रैल में रिजल्ट आ जाए, मई से या जून से कैप राउंड चालू करके जुलाई मैक्सिमम खत्म करें सारी चीज़ें, सो दैट जुलाई एंड या तो अगस्त से अगर कॉलेज चालू हो रहा है तो इट इज़ बेटर, बट अगर ये डिले होगा तो सितंबर चालू हो जाएगा कॉलेज चालू होने में. ओके, And change number 5 is regarding the competition and number of seats in the colleges. Number of colleges डेफिनेटली बढ़े हैं महाराष्ट्र के अंदर लॉ को लेकर के, ठीक है, और कॉम्पिटिशन भी ऑब्वियसली इट गेट इंक्रीज एवरी ईयर. बट अच्छे कॉलेज में अगर आपको जाना है तो यू हैव टू परफॉर्म वेल. GLC ILS हो गया, उसके बाद KC रिजवी हो गया, आपके पास जितेंद्र चौहान कॉलेज हो गया, न्यू लॉ कॉलेज हो गया, फिरोदिया लॉ कॉलेज हो गया. तो ओवरऑल परसेंटाइल यू नीड टू हिट गुड. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 99.50 के ऊपर जाते हो परसेंटाइल, तो आपको अच्छे कॉलेज से कॉल डेफिनेटली आएगा, आपका एडमिशन पक्का होगा. सो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ 99 के नीचे अपने को नहीं आना है, 99 के ऊपर ही रहेंगे तब जाके हमें ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा एडमिशन को लेकर के. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. दीज आर सम ऑफ द मेजर चेंजेस अबाउट द महाराष्ट्र लॉ सीटी 3 years एग्जामिनेशन. इफ यू आर द एस्पिरेंट ऑफ सीटी, प्रिपेयर वेरी वेल, परफॉर्म वेरी वेल, सो दैट यू विल एंड अप विद द बेस्ट लॉ कॉलेजेस. लॉ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉ प्रोग्राम अच्छे कॉलेज से करना इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना. मैं मेरे लाइव एंड क्लासरूम में सेम चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ठीक है. तो जो भी कॉलेज में आपको जाना है उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी. मोटिवेशन बाई डिफॉल्ट आएगा पढ़ाई करने को लेकर के. एंड इफ यू वॉन्ट मोर गाइडेंस, वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिपरेशन प्लानिंग, यू कैन विजिट आवर सेंटर. आवर काउंसलर विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन. वेयरएवर यू आर इन मुंबई यू कैन विजिट आवर सेंटर. And if you're not Mumbai based, you can check out the online team. They will guide you with regard to your CET preparation. All the very best. Thank you.